बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं भी बहुत देरी से आज तो ये तय किया था कि जब तक लास्ट तक भी बुलाएं तभी मैं बोलूंगा। आपने परमिशन दी, बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजस्थान सहित पूरे देश भर के लाखों लोगों के साथ साई ग्रुप ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई ठगी एवं धोखाधड़ी के तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। साई ग्रुप ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड की चार कंपनियों द्वारा हजारों बेरोजगार लोगों का नौकरी का झांसा दे करके उन्हें अपनी कंपनी में एजेंट बना करके भोली भाली जनता से छल कपट और लुभावने ऑफर दे करके अकेले राजस्थान में ही लगभग 300 करोड़ रुपए बेमानी से जमा करवा लिए तथा परिपक्वता की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद में भी पुनर्भुगतान नहीं किया गया। अब अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्र के कार्यालय वो बंद करके चले गए, बैंकों पे पैसा जमा हो गया, सील हो गया। ऐसे क्षेत्र के निवेशकों, हजारों निवेशकों सहित देश भर के लाखों लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई कंपनियों में जमा की थी, जो उन्होंने मकान बनाने, बच्चों की पढ़ाई करने, शादी करने एवं जमा की थी, परंतु प्रकरण के पश्चात इन लोगों की आत्महत्या भी हो चुकी है तथा कई लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर भी हैं। मेरा सदन से के माध्यम से आपसे निवेदन है कि माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करता हूं कि साई ग्रुप ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जांच करवाकर इनमें से शामिल दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजस्थान सहित देश भर के निवेशकों को उनका जमा धन वापस लौटाने की कृपा करें।